दोस्तों नमस्कार, टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं या इंग्लिश में और अधिक एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन का डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू इन प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम कहलाता है या प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। चलिए कौन कौन से प्रोनाउन है उसको जानते हैं। आई वी यू दे ही सी इट हुम दैट दीज दोज यूअर हर us, him, etc. ठीक है, I, we, you, they, he, she, it, who, whom, that, these, those, your, her, us, हम, etc. ये सब क्या है, प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोनाउन को समझते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोनाउन को समझते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, राम इज ए बॉय ही लिव्स इन मुंबई। यहाँ पर राम की जगह हमने क्या यूज किया है, ही का यूज किया है। ही क्या है, एक प्रोनाउन है, तो यहाँ ही एक प्रोनाउन होगा। सीता इज ए गर्ल सी सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पर हम सी प्रोनाउन का यूज किए हैं, किसके लिए, सीता के लिए। सीता क्या है, एक लड़की है, इसलिए यहाँ पर सी का यूज हुआ है, सी एक प्रोनाउन है। ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, यहाँ पर ही और हर, ठीक है, ही और हर एक प्रोनाउन है। ठीक है, डैट इज यूअर फ्रेंड, डैट क्या है, प्रोनाउन है, यूअर क्या है, प्रोनाउन है। समवन इज एट द डोर, समवन क्या है, एक प्रोनाउन है। इस प्रकार से दोस्तों जो प्रोनाउन है वो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने प्रोनाउन क्या है इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोनाउन को समझा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।